जो बोले सोनी आज सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जो मेरे को बहुत खुशी देती है, मंदिर, हिंदू टेंपल कोरिया में। जी हाँ, मैंने इतने दिन कोरिया में काफी पता लगाया, बहुत लोगों से भी पूछा है, लेकिन सही जवाब नहीं मिला था। और फाइनली मैंने पता लगाया कि एक हिंदू टेंपल है, इस्कॉन टेंपल है, 2 घंटे की दूरी पर है सोल के। तो मैं 1.5 घंटे की मेट्रो पकड़ के, 1.5 आवर्स की मेट्रो पकड़ के सोल से आ गया हूँ एक उजियांगू करके। बाजू में स्क्रीनशॉट रहेगा मेट्रो स्टेशन का, बिकॉज मेरे को प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है रॉन्ग हूँ। वहाँ उतरा हूँ और यहाँ से अभी बस पकड़ूंगा 40 मिनट्स की ड्राइव में, उसके बाद मैं पहुँचूंगा वो जगह पे। तो आप कह सकते हो सोल से काफ़ी दूर है, लेकिन जब मेरे को पता लगा, मैंने कहा कि भले ही 2 घंटा लगे कि 3 घंटा लगे, मेरे को जाना जरूर है, हिंदू मंदिर एक्सप्लोर जरूर करना है, प्लेसेस लाइक कोरिया, मॉस्को। क्योंकि अगर आपको पिछले साल याद रहेगा कि जब मैं मॉस्को रशिया गया था, वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाया था हिंदू मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया वीडियो को, बहुत प्यार भी दिया। बस उसी तरीके से मैंने सोचा कि कोरिया जैसी जगह में अगर हमारे मंदिर मिल जाए तो और क्या ही कहना। मंदिर के बगल में गूगल मैप्स के अनुसार एक गुरुद्वारा भी है, तो अगर मौका पड़ा तो हम वहाँ भी ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ये सिटी से दूर है, थोड़ा ऊपरी तरफ है, यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इनफैक्ट मुँह से धुएं भी निकल रहे, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में तो। एनीवेज, अब देखते हैं कि ये बस जर्नी 40 मिनट्स और लगा के हमें जब पहुँचाएगी तो हम वहाँ कैसा एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे सारी चीज़ें, इनफैक्ट भगवत गीता हर लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में और कोरियन में। इनफैक्ट हाल ही में सैमसंग के जो सीईओ है, जो लॉजिस्टिकल सीईओ है, मतलब कैसा रहता है, सैमसंग सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप वगैरह नहीं बनाती है, सैमसंग यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांड है जो फाइनेंस भी करती है, बिल्डिंग लाइन भी है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ट्रांसपोर्टेशन लाइन भी है, बहुत सारे बिजनेस है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिकल बिजनेस का सीईओ है ना, वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने उनको फिर कोरियन में भगवत गीता गिफ्ट दी थी। यहाँ पे हमारे कन्हैया लाल जी है और नीचे कोरियन भाषा में लिखा है श्लोक, लेकिन मेरे को पता है स्लोगन, क्योंकि इतने मंदिर जा चुका हूँ तो आई नो कि ये क्या लिखा है। विदाउट ट्रांसलेटर, विदाउट किसी से पूछ के मैंने ये अंदाज़ा लगा दिया विद इन 2 सेकेंड्स में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब इतने में इस्कॉन में जा चुका हूँ, चाहे मॉस्को ले लो या फिर चाहे अपना मथुरा ले लो। अगर आपने इंडिया की वीडियोस नहीं देखते हो, सिर्फ फॉरेन की देखते हो, तो बता दूं कि इंडिया में भी मैं टूर करता हूँ, तो मथुरा वृंदावन में जब जब मैं इस्कॉन वगैरह में गया हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और इस्कॉन ही नहीं, मतलब कोई भी हिंदू टेम्पल, जैन मंदिर ही ले लो, मैं तो डेली जैन टेम्पल जाता हूँ मेरे, जब मुंबई में रहता हूँ घर पे, राइट। तो वही बात है कि मेरे को मंदिर सच में जाना बहुत पसंद है। और 25 अक्टूबर को यहाँ पे दिवाली का प्रोग्राम रखा गया था, उस टाइम बहुत भीड़ थी। यहाँ पे एक मॉस्को, आई मीन रशिया की लेडी भी संभालती है, ये भाई साहब जो शेफ है हमारे, वो बांग्लादेश से है, और एक कोरियन भी है अंदर जो मस्त टीका विका लगाए हुए है। तो कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन इतना हरा भरा या फिर इतना बड़ा नहीं है जो रशिया में था, या फिर जो आप
दूसरे इस्कॉन में देखते हो, लेकिन कोरिया के हिसाब से और इतना फार होके बहुत सही है, बहुत क्लीन है। ये बढ़िया बात होती है कि क्लीन होती है जगह ये सब। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? लिटिल बिट। ओके, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर प्रैक्टिसिंग हरे कृष्ण? 23 years. वाओ, सो गुड। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ अभी, क्योंकि प्रसाद हो गया है रेडी, आप प्रसाद खाकर ही जाना। और बता दूं कि वो जो शेफ है उनको एक महीना ही हुआ है यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि सैटरडे संडे के टाइम 30 से 35 लोग की भीड़ आ जाती है पूरे दिन में, मतलब 30-35 लोग आते हैं, और ऐसे वीकडेज में सिर्फ एक या दो ही आते हैं, और वो भी मतलब जो आसपास रहते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंडिया से ऐसा टूर करने आया है वो तो आएगा नहीं, जैसे कि मैं आया हूँ तो वैसे तो कोई आएगा नहीं, बिकॉज ये सोल से दूर भी, अगर सोल के अंदर रहता तो शायद आवन जावन भी ज़्यादा रहता पब्लिक का, लेकिन वही बात है कि 2 घंटा 2.5 घंटा दूर है सोल से, जिसके वजह से जो भी आते हैं यहाँ पे, ओ नॉट सो मच, ओनली लिटिल। अरे बाप रे, बहुत डाल दिया। मैंने कहा था थोड़ा ही देना, लेकिन बहुत दे दिया। मतलब आज मेरे को बाहर से खाने की लगता है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ले देख लो, चावल है, दाल है, आलू की सब्जी है, फ्रूट्स है, मतलब बहुत ही यमी लग रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया, मेरे को काफ़ी पसंद है इस्कॉन का ताज़ा ताज़ा जब खाना बनता है ना। वाह, इन्होंने मेरे को अभी गुड़ और पीनट की चिक्की भी दी है, वो भी एक नहीं दो, उन्होंने बोला लेके जाना, अच्छा लगेगा, ट्रैवलिंग में काम आएगा आपको। हरे कृष्णा एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, द फूड वॉज ऑल्सो गुड and such a lovely place, like so clean, and you manage so well. Come again. Yeah, sure, definitely. Whenever in Korea again, I will come. Next Sunday, in this temple, happy program. Acha, next Sunday? Next Sunday. Oh, wow. Every Sunday. Every Sunday there is a program. Sunday. Wow, so good. Organize. Next time, whenever I will visit, I will plan to visit on Saturday or Sunday. Okay. नमस्ते जी, आप यही रहते हो कोरिया में? हाँ, मैं 3 साल से हूँ यहाँ। अच्छा, 3 साल से हो, और ये कितने साल से है ये गुरुद्वारा? गुरुद्वारा 2002 में ये लैंड खरीदी गई थी। अच्छा, तो 2006 में ये गुरुद्वारा बन के तैयार हो गया। अच्छा, 6 साल। तो यहाँ पे कितने कम्युनिटी के रहते हैं मेंबर? सिख कम्युनिटी यहाँ बहुत है इस इलाके में ना, सोल से ये थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हाँ, सोल से दूर पड़ता है, कम से कम इस शहर में, ये शहर नहीं है। अच्छा, एक टाउन, छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम क्या है? सुंगोरी। अच्छा, सुंगोरी डिस्ट्रिक्ट है, पोचेन। हाँ, इसी के आगे पड़ता है पोचेन, करेक्ट, पोचेन डिस्ट्रिक्ट है ये, उसी के अंतर्गत ये गाँव है। बिल्कुल, एक गांव है, लेकिन देखने में एक सिटी जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साफ सुथरा से लेके हर चीज, हाँ। और सुविधा भी है, जैसे 7-Eleven के स्टोर्स हो गए, हाँ। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए। सही बात है, इस्कॉन मंदिर भी हो आया, अभी बगल में गुरुद्वारा है, और मैं कैसे ना जाऊँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल साथ में तो वही तो मैं क्या कि गुरुद्वारा हो और मैं ना जाऊँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। मुझे काफी पसंद है, चाहे अमृतसर भी गया या फिर मैं तो करतारपुर भी गया हूँ, तो उधर भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को। अच्छा, इंडिया से कितने इंडिया लोग रहते हैं इस इलाके में? सिर्फ इलाके में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग। 3 से 4 हज़ार लोग, ये बहुत बड़ी मात्रा है। एक गांव की अगर बात करें, ये जिले, ये जिला आप बोल रहे हो, कोरिया में मैं भी 15 से 20 हज़ार लोग होंगे। अरे बाप रे, बड़ा मान। इस इलाके में ये शेल्टर होने के कारण, इसकी सुविधा लेने के लिए लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे क्यों ज्यादा रहते हैं? मतलब सोल में काम कारोबार आपका भी मेरे हिसाब से तो कारोबार तो सभी कोरिया में है। अच्छा, जहाँ भी आप चले जाओ बराबर, लेकिन यहाँ जैसे गुरुद्वारों में होता है कि खाना मिल जाता है खाने के लिए बराबर, गुरुद्वारे में अगर नया आदमी कोई इंडिया से आता है उसको, हाँ। रहने के लिए कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए बराबर शुरुआत में स्टे देते हैं। हाँ, ये एक उनके रहने के लिए जैसे एक शेल्टर होता है बराबर, लोग इसलिए ये सुविधा लेने के लिए यहाँ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ अपनी कम्युनिटी मिलती है, अपना कल्चर मिलता है, हाँ। इसलिए
इस जगह को ज्यादा प्रेफर करते हैं रहने के लिए। अच्छा, और तो कहीं पे भी नहीं है कोरिया में गुरुद्वारा? गुरुद्वारा एक है यहाँ से, उसका नाम है छल्लाजू खंगजू। वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, थेगू साइड में पड़ता है, मतलब ऊपरी की तरफ के नीचे साउथ की तरफ बुसान। अच्छा, बुसान से मैं हो आया, बुसान है उस साइड में पड़ता है। तो उसमें थोड़ा उधर कम्युनिटी अभी कम है। अच्छा, तो यही पे ज्यादा है, इस इलाके में ज्यादा है। तो मतलब लगभग कारोबार किस चीज का होता है कि इंडिया छोड़ के कोरिया आते हैं? इसमें ज्यादातर लोग लेबर जॉब वाले आते हैं। अच्छा, लेबर जॉब वाले आते हैं, सभी लेबर जॉब वाले ही हैं। बिजनेस के हिसाब से नहीं? बिजनेस के हिसाब से यहाँ कम है। अच्छा, कम थोड़े लोग हैं यहाँ, एक पंजाब से नवांशहर से है। अच्छा, एक हरियाणा से है, उन्होंने अपने किराने की दुकानें यहाँ बना रखी। अच्छा, हरियाणा से दो है। कोरियन भी तो आनी चाहिए है ना बिजनेस करने के लिए? कोरियन आती है। हाँ, तभी उन्होंने कोरियन लैंग्वेज सीखी है। बराबर, कोरियन लैंग्वेज के 5 लेवल होते हैं, वो करने पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद फिर उनको बिजनेस के आधार पे यहाँ पे नेशनल टीवी मिली हुई है। वाह, बहुत अभी cool. नेशनलिटी तो आपको भी मिली रहेगी मेरे हिसाब से, 3 साल से। अच्छा, मैं तो एज ए टूरिस्ट आया था। अच्छा, ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ, ये इस गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट की है। अच्छा, सामने साइड, जो सामने साइड। ओके ओके, गुरुद्वारा। करेक्ट करेक्ट। ओ, तो ये गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट की है पूरी बिल्डिंग? पूरी बिल्डिंग। अच्छा, गोडाउन है उनके। हाँ हाँ, यहाँ से वो ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग का काम करते हैं, और वो भी पंजाब से ही है? वो भी पंजाब से, लुधियाना से। अच्छा, लुधियाना से। बहुत cool. यहाँ से ये जो सॉक्स है, हाँ, ये इंडिया जाती है। अच्छा, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है। अच्छा, थोड़ा पार्ट उसका रह जाता है, आगे वाला हिस्सा जो उसकी सिलाई होती है वो, हाँ, इंडिया में जाकर होती है। अच्छा, तो यहाँ से पैक होके जाती है। ओहो, तो उनका सॉक्स का कारोबार है मेन? सॉक्स का कारोबार है। नहीं नहीं जी, खाना खा के आया मैं, वो अभी इस्कॉन गया था ना, ये मैं चाय पीता नहीं, लेकिन आप इतना फोर्स कर रहे हो तो थोड़ी सी मैंने कहा कि पी लेता हूँ। इसके साथ इनको जलेबी भी दो। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, थैंक यू। वो नहीं, एक्चुअली उन्होंने मेरे को चिक्की भी दे दी, तो मैं इतना खाता नहीं हूँ मीठा वैसे भी। अरे आ गई जलेबी, अरे ठीक है जी। ये किचन है, साफ सुथरे हैं किचन भी? अरे वाह, इतना बड़ा फ्रिज। ये भाई जी ने मेरे रशिया की देखी ना आपने पिछले साल? चलो मैं निकलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अभी आप रेस्ट कर रहे हो। वेलकम जी, धन्यवाद बहुत बहुत, निकलता हूँ। अच्छा लगा। बस 12:30 बजे यहाँ पे आया था इस गांव में, और अब बज रहे दोपहर के 3, मतलब 2.5 घंटा कैसे गया पता ही नहीं चला। इस्कॉन मंदिर में और गुरुद्वारे में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी वापस 2.5 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में वापस बैक टू सोल, 2.5 घंटा आने में लगा, मतलब ये पूरा हो गया 7.5 घंटे का। एनीवेज, आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, जिसमें हमने अनुभव किया, भले ही दूर है लेकिन फिर भी हमने अनुभव किया इस्कॉन मंदिर को, हिंदू मंदिर को और गुरुद्वारे को। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, और जब भी कोरिया आओगे तो यहाँ पे एक विजिट ज़रूर मारोगे।